गणपति पप्पा आ रहे हैं उनके स्वागत में हम बना रहे हैं मोदक। इसके लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए मोदक बनाने के लिए, ये देखो मैंने 150 ग्राम गुड़ ले लिया है और नारियल एकदम फ्रेश नारियल मैंने कद्दूकस करके ले लिया है एक नारियल और थोड़ा सा इलायची पाउडर और 200 ग्राम चावल का आटा। अब हम चलो पहले आटा बना के तैयारी कर लें। हम एक पैन ले लिए हैं, अब उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी डाल देते हैं और हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे 1 कप। अब देख सकते हैं पानी उबल रहा है, थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया, उबाल आ रहा है। अब हम इसमें धीरे धीरे चावल के आटे को इसमें डालूंगी और ऐसे हम इसको इसमें मिक्स करेंगे चावल को पानी में। मैं इसको रख देती हूँ साइड में, बाद में डो तैयार करती हूँ, ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब हम इसमें फिलिंग तैयार करने के लिए पहले हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं कढ़ाई में और ये नारियल जो बुरादा है ये डाल देती हूँ। अब हम इसको थोड़ी टाइम तक भूनेंगे इसको इसी तरह चढ़ा के। ये देखो नारियल मेरा भून के हो गया है। अब हम इसमें गुड़ है वो डाल देती हूँ। अब देख रहे हैं आप, हम इसमें जो गुड़ है इसमें डाल के थोड़ी टाइम पिघला लेते हैं। फिर कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट है ये डाल देते हैं। एक बादाम है बारीक बारीक काट के लिया है, किशमिश, पिस्ता और काजू। आप देख सकते हैं गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। हम थोड़ा सा इसमें इलायची पाउडर डालते हैं। आपको अगर इलायची पाउडर पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इलायची पाउडर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, थोड़ा खुशबू आता है, इसके लिए डाल देते हैं। अब देखो फिलिंग मेरा भी तैयार हो गया। अब डो के तो साइड में चलते हैं। आप देख सकते हैं अभी ठंडा हो गया है। अब हम इसको हाथों से जैसे आप रोटी बनाते हैं जैसे आटा उसको गूंथते हैं उसी तरह इसको हम नरम थोड़ा गूंथ लेते हैं। आप देख सकते हैं डो एकदम परफेक्ट एकदम नरम तैयार हो गया है। अब हम बनाने की तैयारी करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक इस तरह का एक मोल्ड है, अब मैं इससे बनाती हूँ, आपको बना के दिखाती हूँ। और मैं हाथों से भी बना के आपको दिखा सकती हूँ, हाथों से भी बनता है, मोल्ड से भी बनता है। हमें थोड़ा सा इसको लेंगे और इसमें भर देंगे मोल्ड में। अब इसमें हम डाल के इसको इस तरह डाल देंगे आटे को और हम इसमें अंगुलियों से थोड़ा हम इसमें गड्ढा कर देंगे। फिर इसमें के फिलिंग को हम इसमें डालते हैं। अब देखो हम इसमें अच्छे से भर दिए। अब हम थोड़ा सा इसमें फिलिंग डालेंगे और इसमें भर देंगे इसको, इसमें भर दी अब इसको। अब हम इसमें थोड़ा सा वाइट वाला आटा इसमें लगा के अब हम इसको देखो तैयार हो गया, बन गया। अब हम आपको दिखाते हैं बना के। देखो बन के सब इसी तरह मैं तैयार कर ली हूँ। अब हम चलते हैं स्टीम करने। बर्तन ले लिए हैं, इसमें पानी डाल दिए हैं और गैस हम ऑन कर देते हैं। अब पानी गर्म होता है तब तक मैं एक चालन ले लेती हूँ इस तरह एक मोल्ड। अब हम इसको घी से इसे ग्रीस कर लेते हैं। मोदक हम इसमें स्वच्छ रख देते हैं। अब हम इसको इस तरह ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। मिनट हो गया 20 मिनट, अब हम खोल के दिखाते हैं आपको। 15-20 मिनट हो गया। हाँ अभी देखो मेरा एकदम तैयार है, पक गया है। अब हम बंद कर देते हैं गैस को। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे फिर प्लेटिंग करते हैं। ये देखो मेरा उकड़ीचे मोदक बन के तैयार है। आप मेरे को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।